साहब जी। क्या मसला है? दफा हो यहाँ से। साहब जी मैं आपको छोड़ के नहीं जा सकता, आपके लिए ही आया हूँ। बस बड़े साहब को पता ना चले। बैठे आपको जहाँ जाना है मैं छोड़ दूंगा। आपके हैसियत के मुताबिक तो ये गाड़ी नहीं है, लेकिन अभी यही मिली है, दोस्त से लाया हूँ। बैठे साहब। कितनी बदबू है तुम्हारी गाड़ी में, सफाई नहीं करते क्या? अरे साहब आप बैठे, मैं स्प्रे कर देता हूँ। आए आए आए। क्या कर रहा पागल? पागल आपका मुजरिम। तुमने आज जो मुझ पर एहसान किया है ना, वो मैं शायद सारी जिंदगी नहीं उतार सकती। नहीं मैडम, इस काम के लिए मैं आपसे पैसे नहीं लूंगा। इस खबीस ने मेरी आंखों के आगे सिर्फ आपकी बहन को ही नहीं, अपने घर पली बच्ची को भी नहीं छोड़ा। उस बच्ची को इतना मजबूर कर दिया था कि उसका बाप उसकी आंखों के आगे मर गया। और मैंने भी इसकी बातों में आकर ना जाने कितनी नाइंसाफियां की हैं। शकूर तुम फिक्र मत करो, इस इंसान पर तो मैं वो आसमान गिराऊंगी कि ये किसी पर भी जमीन तंग करना भूल जाएगा। मैं चलता हूं मैडम। सुहेल मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तुमने मेरी हुस्ना को मार दिया। अल्लाह तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा, तुमने उस मासूम की जान ले ली। अपना मुंह बंद रखना, जान से जाओगी अपनी बहन की तरह। Thank you.
ये सब तुमने अपनी आंखों से देखा? जी राज बाबा, मैंने अपनी आंखों से देखा था, उनके साथ लड़की थी। वो लोग कह रहे थे कि हम दुबई जाकर शादी कर लेंगे। उनकी बातों से तो लग रहा था वो एयरपोर्ट जा रहे हैं। मॉम को बताया तुमने? नहीं राज बाबा, सबसे पहले आपको कॉल की। मैं सोच रही थी कि महापारा के लिए रायत का रिश्ता मांग लूं। हाँ जरूर बात करो, हो सकता है वो मान जाए। मैं उसे रायत की मोहब्बत का वास्ता देकर मना लूंगी। आप ऐसा सोचिएगा भी मत। क्यों बेटा? क्योंकि वो सलार की अमानत है। देखिए मॉम, इस बार मैं आपको अमानत में खयानत नहीं करने दूंगा। बेटा सालार ने उसे शादी करने से इनकार कर दिया है। क्या? लेकिन क्यों? वो मुझे अस्मा का फोन आया था, वो बता रही थी कि सालार ने इनकार कर दिया। जब उसने मना ही करना था तो फिर निकाह क्यों किया? राइट जाने। अरे निकाह तो नहीं हो। अरे उसे जाने दो, अपने हिस्से की भाग दौड़ करने दो, करने दो उसे। हैरत है, रात में कॉल की मुझे और अब फोन बन जा रहा है। कपड़ा उठाओ। ठीक है, आप लोगों ने किसी मशकूक आदमी को देखा? यहीं रहते हो आप लोग? एक आदमी की शदीद जली हुई लाश मिली है और इस फोन पे सिर्फ आपका नंबर डायल हुआ है। आप बंस सेंटर आ सकती हैं? जी जी मैं आती हूँ। पास कोई मशकूक चीज मिली तुम लोगों को?
तो तुम्हारे सारे मामला सही हो गए और एहसान फरामोशी का इल्जाम लिए बगैर आजाद हो गई हो। तो राहिल भाई से सब इतना आसान नहीं आसमा, तो मुश्किल क्या है? अब तुम्हारे सामने कोई समंदर हायल थोड़ी है जो मिल ना सको। सामने खड़े हैं, बस आगे बढ़कर हाथ थाम लो। समंदर होता तो शायद पार भी कर लेती, लेकिन हमारे दरमियान नुकसान की एक ऐसी आतिशफिश है कि उस पर पांव रखा तो सब राख हो जाएगा। पर तुम्हें तो सारी सच्चाई पता चल चुकी है। हाँ, तो मैंने उन्हें माफ कर दिया है, और अगर कभी मेरे सामने आए तो अपने कहे हर हर्फ की माफी भी मांग लूंगी, लेकिन उनके साथ नाम नहीं जोड़ सकती। लेकिन क्यों महापारा, तुम्हारा तो कोई अब कमिटमेंट भी नहीं है, क्या करोगी आगे? और ये जो पहले किया था, हालात का सामना, मैं मोहब्बत के बगैर जी ली अस्मा, तो इतनी कमजोर तो नहीं कि किसी के इनकार से बिखर जाऊं? तुमने तो कहा था कि तुम जान दे दोगे, लेकिन मंगेतर ने। कॉलोनी के लड़के ऐसे होते हैं, ऐसे मुंह छुपाते हैं। जस्ट गेट लॉस्ट। नहीं, तमाशा क्यों कर रहे हो अब तुम सलार? अब तो तुम्हारे मुकाबले में कोई भी नहीं खड़ा, फिर क्यों छोड़ रहे हो उसे? अगर कोई मेरे मुकाबले में होता तो मैं उसकी जान ले लेता। अगर मसला उसके दिल का है, उसके दिल में कोई और है। देखो सलार, तुम मेरी वाली गलती कर रहे हो। तुम अपनी मंगेतर पे शक कर रहे हो, प्लीज ऐसा नहीं करो यार। मेरी मंगेतर होती तो कभी ना छोड़ता, लेकिन किसी और की महबूबा को कैद करके नहीं रख सकता। तुम उस पर इल्जाम लगा रहे हो अब। देखो सच यह है कि सिर्फ मैं उससे मोहब्बत करता हूं, लेकिन वो अब मुझसे नफरत करती है। नफरत नहीं करती वो तुमसे। अगर वो तुमसे नफरत करती ना, तो तुम्हारी तकलीफ का सुनकर यूं बेहोश ना होती, हमारे निकाह के लिए हां करती, आज मेरे निकाह में होती। तुम लोगों का निकाह नहीं हुआ क्या? नहीं। रास्ता मेरा नहीं, तुम्हारा साफ। और अगर तुम नाक भी रगड़ते रहता तो कभी तुम्हें उसकी शक्ल नहीं देखने देता। लेकिन क्या करूं, हम जैसे जो छोटे लोग होते हैं, और जब किसी से मोहब्बत करते हैं तो उसकी खुशी में खुश होते हैं, चाहे वो मेरे साथ हो या तुम्हारे साथ। खुश
जो तुम अब तक राहित के साथ कर रही थी। मैं राहित से? अब मैं राहित नहीं है। सुनील भाई आज होना पागल हो गए, क्या कर रहे सुनील भैया? मैं तुम्हें तलाक देता हूँ सुहेल। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ सुहेल। प्लीज मैं तुम्हें तलाक देता हूँ सुहेल। मैं नहीं जानती। कैसे हो सकता है इस तरह? जरूर सालार के किसी ने कान बने। सालार ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं बात करती हूँ सलीम से। क्यों कोशिश कर रही हैं दादी? है क्या आप पर भारी हो गई? तुम भारी नहीं हो बेटा। दुनिया को क्या मुंह दिखाएंगे और फिर क्या इज्जत रह जाएगी हमारी? अगर इस शादी के टूटने पर हमारी इज्जत टिकी है तो हम में और उन सालों पुरानी कमजोर औरतों में क्या फर्क बता दी भाई? अब ये शादी का ताकतवर और कमजोर होने से कोई ताल्लुक नहीं होता। तो फिर शादी का इज्जत और जिल्लत से भी कोई ताल्लुक नहीं होता? शादी जिंदगी का हिस्सा है, जिंदगी नहीं। इसलिए शादी टूटने से ना तो इज्जत कम होती है और ना ही जिंदगी पर कोई फर्क पड़ता है। दिल टूटने से तो पड़ता है ना। सलार से मेरा दिल का ताल्लुक नहीं था दादी, इसलिए मेरा दिल नहीं टूटा दादी। दिल तो मेरा टूटा है ना। अगर तुम्हें दोबारा मैंने खोया बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, मां पारा मर जाऊंगा मैं। हमें लगता है कि हम मर जाएंगे लेकिन हम नहीं मरते। जी लेते हैं मेरी तरह। तो हम दोनों को जीने के लिए सिर्फ मोहब्बत चाहिए। मेरे पास और भी रीजंस हैं। क्या रीजंस हैं तुम्हारे पास? मॉम का झूठ बोलना, सोहेल भाई की नफरत, उनकी साजिश या फिर? हाथ छोड़े मेरा। रीजंस बताओ, क्या रीजंस हैं तुम्हारे पास? हाथ छोड़े मेरा। पढ़ लिख गई है, बहुत बड़े इदारे में ऑफिसर लग गई है, टॉप कर लिया है इसमें। इससे ज्यादा और क्या रीजन होगा भला तुम जैसे निकम्मे को मना करने के लिए इसके पास? तुम्हें तो ये बस दरवाजे पर पहरेदारी के लिए बिठाना चाहती है। इन्हें मैंने नहीं बिठाया, ये अपनी मर्जी से बैठे हैं। अपनी मर्जी से तो ये सालार की मन्नतें करने भी गया था। मेरे लाख मना करने के बावजूद भी सालार को तुमसे शादी पर राजी करने गया था। राहत मियां, आप सालार के पास गए थे? हमें गया था मगर मिन्नतें करने नहीं, सवाल करने के। वो ऐसा कैसे कर सकता है? तो फिर मिला जवाब? हाँ मिला है, तभी तो मैं यहां तुम्हारे सामने सवाल करने आया हूं। तुम्हें पता है महापारा, तुमसे ज्यादा अकलमंद तो वो है, हमारी मोहब्बत को पहचानता है।
इसलिए तो बहाने से पीछे हटा है। तुम्हारे लिए बस इतना ही जाना काफी कि मैं तुमसे शादी कर लूं, वरना मेरी अम्मी तो बहुत बड़े बड़े घर की लड़कियां ढूंढ रही थी मेरे लिए। अगर आपको मेरा सच इतना ही बुरा लग रहा है तो ये रिश्ता यहीं खत्म समझे। ओह, तो एक और एहसान करना चाहते हो मुझ पे। महापारा, तुम क्या चाहती हो बेटा? अब हम तुम्हारे रिश्ते के लिए झोली फैलाएं, हाथ जोड़ें? अच्छा चलो, ऐसा भी कर लेते हैं, आप मेरी बेटी मुझे वापस कर दें, मेरी मां पारा का रिश्ता दे दें मुझे। आपको अल्लाह का वास्ता। अम्मी जी, आप प्लीज दादी को मजबूर ना करें। रायत, एक काम करो, तुम भी हाथ जोड़ लो। मान जाएगी, इतनी सख्त दिल नहीं है मेरी बेटी। नहीं मां, मुझे भीख नहीं, सिर्फ मोहब्बत चाहिए। ले जाए अपनी अमानत। दादी, शैला, बाहर गुलाब के फूल क्यों नहीं लगवाए तुमने? क्या हुआ, तुम उदास क्यों हो? सुहेल की शादी पर भी एंट्रेंस पर फूल लगवाए थे ना? हाँ, लेकिन कुछ लोगों को फूल रास नहीं आते। सुहेल दुबई तो पहुंच गया होगा। इस घर से चला गया, कहीं ना कहीं तो पहुंच गया होगा। पता नहीं मैं दोबारा उसकी शक्ल अब कब देख सकूंगी। शैला, उसने खुद को इस लायक ही नहीं छोड़ा कि हम उसका इंतजार करें। अब अपना मुंह ठीक करो और घर के काम देखो।
परा निकल जाओ इसी वक्त, निकल जाओ, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती, निकलो निकलो मेरे घर से। भैया झूठ बोल रहे हैं, आप बताएं तो क्या हो यहां से। अम्मी जी ये झूठ बोल रहे हैं, पारा चुप कर जाओ जी, ये झूठ बोल रहे हैं। अम्मी जी प्लीज निकलो मेरे घर से। अम्मी जी सही, भैया झूठ बोल रहे हैं, बताएं तो मां पारा चुप चुप नहीं, निकल जाओ अम्मी जी, मैं तुम्हारी मार रही हूं। यकीन करें अच्छा तो तुम मुझसे नफरत ही करती रहती है। क्यों? कम से कम तुम बोलती तो थी। बोलो ना। क्या? यही कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत है। बोलने की क्या जरूरत है? अगर जरूरी नहीं है तो फिर भी कहो। जब कहना जरूरी नहीं तो जबरदस्ती प्रिटेंड क्यों करूं? क्या पता प्रिटेंड करने से जरूरी हो जाए। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अच्छा ओके, फिर तुम ये कह दो कि तुम्हें मुझसे नफरत है। क्यों? क्योंकि तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं है तो फिर नफरत ही होगी ना। नहीं वो भी नहीं है। तो फिर कुछ तो होगा दिल में, कोई जज्बा। ऐसा भी कुछ नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसका इजहार किया जाए। अब हम बड़े हो गए राहत, वो शरारती जज्बे कहीं दूर चले गए। अब तो उन डायलॉग्स के बारे में सोचती हूँ तो हंसी आती है खुद पे। तुम्हें पता है जब से तुम चली गई थी तो फिर कोई था ही नहीं जिसने मुझे आवाज देकर बुलाया। बस इन जज्बों को लेकर मैं पीछे रह गया था। ये क्या है? कुछ भी नहीं। दिखाए ना।
इन्हें मैं हमेशा ही कीमती समझता रहा। कौन सा अच्छा है? ये वाला। भैया ये वाले पैक कर दे। But you know what, just forget it. ये तो जल्दबाजी में तुम्हारे लिए कोई कीमती गिफ्ट नहीं ला सका। But it's okay. हम कल अब तक संभाल के रखे जब मैं तुम्हें अपने दिल में संभाल कर रख सकता हूं तो तुम्हारी हर चीज मुझे संभालनी थी ना। वादा करो कभी जुदा नहीं होगी। वादा। जी सकलन साहब। सर मीटिंग बहुत सक्सेसफुल रही है। इंशाल्लाह कराची में जो ग्रैंड लैंड सिटी बनाने का ख्वाब है आपका वो ज़रूर पूरा होगा। जी जी थैंक यू सो मच। जी नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह आई विल बी इन कराची। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज। सालार। सारा जी आप इस्लामाबाद में क्या कर रहे हैं? मेरी एक छोटी सी मीटिंग थी। आप क्या कर रही हैं? मैं भी किसी काम से आई थी। What a coincidence. चलें, let's have a coffee. Sure, why not? By the way, you're looking nice. Thank you. आप भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। Let's go. कुछ भी हो सकता है प्यार नहीं हो सकता। ये जीना भी है जीना।